दसवें पातशाह दे सिख होए ने भाई गोपाला साहब, हजूर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल अखीरले समय सचखंड श्री हजूर साहब रहिंदे रहे दे। फिर सतगुरां दा बचन पा के गुरमत का प्रचार करन वास्ते अड अड इलाकों के विच विचरते रहे हैं। उम्र भी बड़ी इन्हां दी लंबी होई है। सुखमणी साहब की कथा दे विच संतां ने इन्हां दा जिक्र भी किया। सुखमणी साहब के महात्म च होए दसवें पातशाह दे सिख ने भाई गोपाल दास बैरागी, जिन्हां नूं भाई गोपाला जी कहिंदे ने। एक छेवें पातशाह दे समय भाई गोपाला जी होए ने, एक दसवें पातशाह दे समय भाई गोपाला जी भाई गोपाल दास बैरागी होए। इन्हां दा दसवें पातशाह उत्ते बड़ा भरोसा सी। इन्हां बड़े प्रेम दे नाल बचन करना कि भाई सिखो, कोई गुरु तुलहा कोई गुरु बेड़ी ते कोई गुरु है जहाज, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी तो पुल दे समान हैं। जिवें पुल दे उत्तों दी अन्ना भी लंघ जाता है, पिंगला भी लंघ जाता है, जीव जंतु भी लंघ जाते ने, इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सौखा ही सखैन ही सारे संसार नूं मुक्त करन वाले तारन वाले सच्चे पातशाह हन। जदों दसवें पातशाह ने इन्हां नूं विदा कीता कि भाई असी ज्योति जोत समा जाणा है, हुण तुसी गुरमत दा प्रचार करो, तां श्रीमान भाई गोपाला साहब जी भाई गोपाल दास बैरागी जी इन्हां हाथ जोड़ के बेनती की, सच्चे पातशाह आप जी दे दर्शन कित्थों करांगे। तां सतगुरु जी ने बचन कीता सी कि धन गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करो, साडे दर्शनां दा फल प्राप्त होवेगा। जिन्हें मेरे दर्शन करदे ने ओ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे दर्शन करे, जिन्हें मेरे नाल बचन करदे ने ओ गुरु की बाणी दा पाठ करे, सिमरत करे, जाप करे। तां इसे कोट दे इलाके दे विच गुरमत दा प्रचार करदे रहे। तां जदों कोई प्रेमी इन्हां दे दर्शन करन वास्ते आउंदा, दानी एडे सन कि सिर्फ नंगेज ढकण वास्ते एक कशहरा पहनते सन, बाकी एक शरीर ते दसाला बड़ा महंगा रखते सन। ते जदों किसी ने कहना कि भाई साहब मेरी लड़की की शादी है, तो उस समय फिर अपनी जिहड़ा अपना दशाला सी बड़ा कीमती वो ला के दे देना, कहना वेच ला इनू ते लड़की दी शादी कर ला। इदां दा सुभा धारण करके रखदे सी। इस तों वध जायदाद नहीं सी रखदे अपनी, सिर्फ गुरमत दा प्रचार करदे सन। तां जदों किसी प्रेमी ने इन्हां दे दर्शन करन आउणा तां उस समय कहना कि गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करके आया पहला, हुण कोई संतां नूं मिलन जावे ते इहो जे संत ते विरले ही होणगे ना जिहड़े पहला कहणगे वी अठवें पातशाह बंगला साहब मत्था टेके आया पहला, जां सीसगंज साहब नमस्कार करके आया कि नहीं आया। तां पहला कहना गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेक आया। तां जे कह देना जी महाराज मत्था टेक आए हैं ते अग्गों बचन करना भलो रे भलो, ते फिर दूसरा बचन करना बाणी पढ़ी सी अज, बाणी पढ़न रूप मत्था टेक के आया, दर्शन करके आया। जे कह देना जी बाणी भी पढ़ी है ते महाराज के दर्शन भी किए हैं, फिर बहुते प्रसन्न होना।
उन्हां दी भावना सी कि गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़े दर्शन ने ये श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शन दे ते जे किसी ने कहना नहीं जी मैं तो सीधा ही आ गया दास पहला माफ़ी मंग लवे उन्हां एक बड़ा सख्त वचन करना की कहना पड़ूगा बुरो रे बुरो क्यों मेरे मथे लगन आ गया जे गुरु ग्रंथ साहब नूं मथा नहीं टेक सकिया इत्थे की लैण आया है जे बाणी नहीं पढ़ी अज इन्ना सत्कार बाणी दा करदे